सनी निधिमान जी बताइए पहली आप हाथ बात उठा जो देते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उनको सच में रामायण से लीडरशिप सीखनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि थे, दलित समुदाय से थे, आज मेरे जेएनयू के 400 से ज्यादा लोगों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, 4 महीने से ज्यादा उनको सैलरी नहीं मिली है। ये लीडरशिप सिखाएंगे देश को? ये सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करना चाहते हैं। मेरी फेलोशिप मैं अभी नहीं ले सकता हूं, हमें फेलोशिप नहीं मिल रही, लेकिन हम बलिदान देने को तैयार हैं। पर क्या देश का अमीर बलिदान देने को तैयार है, इसपे हम टैक्स लगाना चाहते हैं? मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, जिस वक्त आप मुझसे बात कर रही है, नहीं इस तो तस्वीर को ध्यान टैक्स से भी देखिए। बढ़ाएंगे आपके वीसी, मैं टैक्स आप भी एक देश में जो देखिए टैक्स बढ़ाने की जरूरत है वो भी आपके वीसी कर दे। मुझे तो देखिए लग रहा है अंजलि, कि आप वीसी के खिलाफ भड़ास निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अयोध्या में एक साधु भूख से मर गया है, संदीप ये है महापात्रा जी जवाब राम दीजिए, वो कह रहे हैं राज्य कि राम राज्य पहले जेएनयू के अंदर तो कायम हो। है, वहां पर बाघ और बकरी संदीप साथ महापात्रा रहते जी, हैं। जेएनयू के जो संदीप छात्र हैं, जेएनयू के महापात्रा जो जी, स्टूडेंट हैं, जेएनयू के जो टीचर्स सनी हैं, धवान की वो आवाज भी नीचे उसी कर में दीजिए, विश्वास एक एक रखें करके कि बोलिए आप लोग प्लीज। आप लोगों से राम रिक्वेस्ट राज्य किया है होना मैंने, चाहिए। राम राज्य अंजना पहले जी जेएनयू में तो देखिए, स्थापित हो। संदीप नहीं महापात्रा जी, मैं जी, जो लोग ये राम राज्य की परिकल्पना जेएनयू के अंदर करना चाहते हैं, मैं उनसे केवल एकमात्र ही प्रश्न करूंगा कि आप क्या जो राम राज्य के औचित्य है, वहां पे प्रजा किस तरह से रहता है, राम राज्य में प्रजा की क्या उसके ड्यूटीज होते हैं और जो राजा है उसके क्या ड्यूटीज होते हैं, अगर मैं एक परिकल्पना करता हूं, हाँ। क्या आप उसको करने के लिए तैयार हैं? पहली बात ये है। दूसरी बात अंजना जी, आप इस पर गौर देखिए, मेरे से पहले जो प्रवक्ता आए थे कांग्रेस के, 2008-09 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा कांग्रेस के तरफ से दाखिल किया गया था कि भाई जो सेतु है, राम सेतु, ऐसा कुछ है ही नहीं, वो मिथिकल है। आज 10 वर्ष बाद, 15-12 वर्ष बाद ये परिवर्तन आप देखिए कि ये मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि राम सेतु भी था और राम भी थे। तो ये जो परिवर्तन आई है, ये धीरे धीरे परिवर्तन आई है, और रामायण को लेके और राम जी के अगर चरित्र को लेकर, लीडरशिप क्वालिटी को लेकर अगर हम वहां पे वेबिनार हो रहा है, तो इसमें विरोधाभास कहां से आ रही है? एक प्रवक्ता ने कहा, शुक्ला जी ने, कि भाई साइंस और धर्म, शुक्ला जी धर्म साइंस की बात नहीं हो रहा, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है, कि आप जैसे ही लोग ये बार बार कह रहे हैं और पिछले 70 वर्षों से आप ये कह रहे हैं कि भाई साइंस से ज्यादा धर्म है या धर्म से ज्यादा साइंस है, धर्म अपने जगह पे है, साइंस अपने जगह पे है। और जो मैं बात अंत में कहना चाहता हूं अंजना जी, आज के समय में भी लोग जो पीड़ित हैं, वो आज कोई गिरजाघर जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, या फिर अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं कि इस महामारी से आप मुझे बताइए, बचाइए भगवान, अपने अपने भगवान को पूजा कर रहे हैं। तो उस अगर परिदृश्य में अगर यहाँ पे रामायण से लेके और राम की, और ये केवल रामायण नहीं, राम जी की लीडरशिप, श्री राम जी के लीडरशिप क्वालिटीज क्या थे और आज के समय में कैसे वो जरूरत है, और जहां पे हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं उससे कैसे हम हेल्प ले सकते हैं, अगर इस पे अगर बात हो रही है तो किसको क्यों ऐसे? ठीक है, मैं इसका जवाब प्रोफेसर वार्ष्णेय से लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुना देते हैं, आप सब सुनिएगा, जिसके बाद मैं उस पर भी सवाल करूंगी। तुषार गांधी जेएनयू के इस रामायण पर वेबिनार के फैसले पर अपनी टिप्पणी में क्या कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। जेएनयू में रामायण का के ऊपर परिसंवाद होना, मैं उसे टीका पात्र नहीं समझता हूँ। सिर्फ इतना मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार बापू ने राम के जो गुण थे उनको आदर्श मानकर उन गुणों की महिमा की थी, उस प्रकार से अगर उस व्यक्ति के जो गुण थे जिसके कारण वो अलौकिक बने, उसके बारे में परिसंवाद हो, ना सिर्फ काल्पनिक कथाओं के ऊपर, क्योंकि अभी का जो वक्त है उसमें हमें एक वैज्ञानिक वृत्ति और एक रैशनल थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा भार रखने की आवश्यकता है, खास करके COVID-19 के प्रकोप के दरमियान। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम साइंटिफिक टेम्परमेंट कल्टिवेट करें और ऐसे जो माइथोलॉजी है उसमें हम ट्रैप ना हो जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि जैसे बापू ने कहा था कि हर इंसान का ये धर्म है कि हर धर्म के ग्रंथों का दोस्ताना पठन करे और उसको समझने की कोशिश करे। दिनेश वार्ष्णेय जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहां पर है। एक माइथोलॉजी कह के ये कह देना कि ये इस पर अगर चले गए तो हम विज्ञान से हट जाएंगे, क्या आप वीसी के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी मंशा पर ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं?
कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, लड़ाई कहाँ है दोनों में? मैम देख, लड़ाई कोई नहीं है, लड़ाई कोई नहीं है। विश्वविद्यालय में हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर विश्वविद्यालय का नेतृत्व उसको ऐसे समय में जब पूरे देश में पूरे विश्व में विज्ञान, यही मेरा सवाल है वाशने साहब, कि क्या एक वेबिनार से रामायण पर वैज्ञानिक सोच को खतरा हो गया इस देश में? रूलिंग क्लास, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। पूरे विश्व में सारी सरकारें जो असफल हो रही हैं कोविड 19 से निपटने में, वो इस समय धर्म का सहारा ले रही हैं और हर जगह इन धर्मों को आगे बढ़ा रही हैं, चाहे वो ट्रंप साहब हो चाहे मोदी साहब हो।